एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राचीज कुकिंग। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लगते हैं। इसको आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, और शादी वाले घरों में तो यही बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 कप करीब है बीन्स, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं यहाँ पर वेजिटेबल को क्या करूँगी, बारी बारी करके ही फ्राई करूँगी। और इसको अभी हम एक ऑयल में डाल देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ है, पर आप हाई फ्लेम में गर्म करके ही ऑयल को इसके तले इस तरीके से देख सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है, इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो कोई भी भेजीज ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बीन्स लूँगी, और या इसके बाद क्या लूँगी, फूल गोभी। और इसका भी हमें हल्दी नमक से कट कर लेना है। हल्दी से कट करने से क्या होता है, जो हम तलेंगे तेल में जब भी हम फ्राई करेंगे, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ। बस आप ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही हल्दी डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। इस तरीके से अच्छे से हमें तल लेंगे, और देख सकते हैं बिल्कुल भी रेडी है। इसका जो टेक्सचर यानी कि इसका जो कलर है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको भी हमें प्लेट में निकाल लेना है। और दूसरा भेजीज में यहाँ पर लूँगी एक ड्रमस्टिक और गाजर। 1 गाजर है और 1 ड्रमस्टिक है। इसको मैंने ऐसे लंबे साइज़ में काट लिए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देंगे, और इसको भी हमें मिक्स कर लेना है। ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर इसे करने से क्या होता है, जो हमारा भेजीज है वो अच्छे से तलते हैं यानी कि फ्राई होते हैं, और जो इसका जो टेक्सचर भी ख़राब नहीं होता है। पर हम एक साथ अगर सभी फ्राई कर लेंगे तो कोई पकेगा या फिर कोई नहीं पकेगा। इसकी वजह से मैं यहाँ पर बारी बारी करके ही इसको फ्राई कर रही हूँ। दूसरा मैं भेजीज लूँगी, ये है मेरे पास आलू, और है मेरे पास ये है मिट्टी का आलू। इसको भी हमें अच्छे से नमक और हल्दी लगा लेना है और मिला लेना है अच्छे से। ये मिट्टी का आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हमें फ्राई कर लेना है। कोई भी सब्जी का मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है, आप अपने मनपसंद के अनुसार किसी को भी किसी मात्रा में ले सकते हैं। जब तक ये आलू हो रही है, मैं यहाँ पर बैंगन का भी अच्छे से काट कर लूँगी, और इसको भी हमें मिला लेंगे और नमक और हल्दी के साथ इसको भी हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से। और देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा ये बिल्कुल रेडी है। तो ये रेडी है, तो इसको अभी हमें प्लेट में निकाल लेंगे। मेरा सारा भेजीज बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं। इसका फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से सारे को गोल्डन ब्राउन हो गया है, फूलगोभी भी गोल्डन ब्राउन है, और गाजर भी परफेक्ट फ्राई हो गई है, और आलू और ये है मिट्टी का आलू बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको अभी हम मसाला देते हैं। मसाला देने से पहले मैं यहाँ पर यह बड़ी डालना भूल गई थी। ये बड़ी होममेड बड़ी है, और इसका भी हमें फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ मिला लेंगे। ये मैं डालना भूल गई थी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत ही अच्छा लगेगा मिक्स वेज की रेसिपी में। तो ये भी रेडी है, तो चलिए इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं बहुत तेल यूज करूँगी, करीब 1 टेबल स्पून में से थोड़ी सी ज़्यादा तेल है, थोड़ी सी जीरा 1 टीस्पून, और यहाँ पर हम डालेंगे तेज़पत्ता, और 1 तेज़पत्ता है, और 2 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। इसको भी हमें अच्छे से मिला लेंगे और मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर हाई कर दें ताकि जल्द से जल्द मसाला बन जाए। तो देख सकते हैं मसाला में जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर प्याज को डाल दूंगी, ये 2 मीडियम साइज प्याज है, और इसको मैंने बारीक काट लिए हैं। इसको भी हमें अच्छे से मिला लेंगे। प्याज भून चुकी है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर टमाटो का भी ऐड कर लूंगी। टमाटो मैंने यहाँ पर 1 टमाटो लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे ही चॉप कर लिए हैं। आप चाहे तो टमाटो का प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही टमाटो डाले तो थोड़े सा नमक डाल दे ताकि जल्द से जल्द टमाटो पक जाए। तो इसी के साथ ये मसाले को हम रेडी करेंगे, करीब ढक लेंगे इसको थोड़ी सी जल्दी होने के लिए। और ढक ढक लेने से क्या होगा,
ये मसाला बिल्कुल रेडी है। तो 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और थोड़ी सी धनिया के पत्ते। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी सूखा लग रही है तो मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरीके से टमाटर को अच्छे से मैश कर ले। आप चाहे तो प्यूरी का यूज करेंगे तो मैश करना नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हमें मिला लेंगे हाई फ्लेम में। मसाला बिल्कुल सिंपल है, घर के चीज़ों से ही बनी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर भेजीज को भी, सारे भेजीज को ऐड कर लूँगी। और ये रेडी हो गया हमारा जो मिक्स वेज की रेसिपी। और इसका मसाला में अच्छे से कट कर लेना है सारे भेजीज को। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तो देख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी धनिया के पत्ते भी डाल दूंगी जिससे कि और ज़्यादा फ्लेवर आ जाए। और ये रही हमारा गर्मा गर्म मिक्स वेज की रेसिपी। ये इसको आप रोटी के साथ या अपने चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो ये रही हमारी मिक्स वेज की रेसिपी। इस सर्दियों के मौसम में आप ये रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ये रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं या फिर शेयर करें।